जय हिंद दोस्तों, मुझे स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कल दिनांक 31 मई 2023 को दो कैंटोनमेंट को समाप्त को लेकर के जो प्रस्ताव रखा गया था उसको पारित कर दिया गया है और कैंटोनमेंट को समाप्त करने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ा दी गई है। इसके पहले आपने बीते दिन में सुना था यूल कैंटोनमेंट को समाप्त किया गया है और चूँकि यूल कैंटोनमेंट किसी प्रकार की वैकेंसी कोई भी भर्ती नहीं चल रही थी इसलिए उसका किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा आपके उसके कैंटोनमेंट को समाप्त करने का। चूँकि ये जो तो कैंटोनमेंट समाप्त किए जा रहे हैं इनमें बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं और बहुत से ज़्यादा बच्चों ने इसमें फॉर्म को अप्लाई कर रखा है, तो चूँकि ये कैंटोनमेंट समाप्त होगा तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, छोटी सी वीडियो है और सभी कैंटोनमेंट के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली, क्योंकि यूल कैंटोनमेंट में किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं थी तो वो केवल एक समाचार था कि केवल यूल कंटोनमेंट समाप्त किया जा रहा है। क्योंकि जो तो कंटोनमेंट अभी समाप्त किए जा रहे हैं उनमें बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं तो उन पर क्या क्या तरीके से कह सकते हो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कुछ है, किस कंटोनमेंट की बात की जा रही है, उसके बाद हम देखेंगे उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो जिन दो कंटोनमेंट की बात हो रही है उनमें से जो पहला कंटोनमेंट आपका है पुणे छावनी बोर्ड, ठीक है, जो कि पुणे कंटोनमेंट बोर्ड है और इसमें हाल ही में भर्ती निकली थी, वापसी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग 168 के आसपास इसमें पद निकाले गए थे और बहुत ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। केवल पुणे छावनी के ही नहीं, अलग अलग छावनियों से भी इसमें अप्लाई किए गए हैं। और जो दूसरा छावनी आपका है वो खड़की छावनी बोर्ड है और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट देखने मिले हैं और इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है उन बच्चों के लिए जो कि पुणे और छावनी खड़की छावनी के हैं। दूसरे बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है चूँकि इस वीडियो में जानकारी होने वाली कि क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं क्या कुछ है इसमें। पुणे जिले में पुणे और खड़की छावनी बोर्ड पुणे नगर निगम में विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीमा प्रतिष्ठानों और केंद्रीय प्रतिष्ठानों को छोड़कर छावनी सीमा के भीतर निवासी क्षेत्र पुणे नगर निगम में शामिल हो गए, यानी जो खड़की छावनी है पुणे छावनी है उनको तोड़ करके इनको समाप्त करके पूर्ण रूप से पुणे निगम में विलय किया जाएगा। और साथ ही पुणे नगर निगम के आयुक्त और छावनी बोर्ड के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई, यानी इसको पूर्ण रूप से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है, यानी कंटोनमेंट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा इधर दो हफ्ते या 3 हफ्ते में। इससे पूरे नगर निगम की सीमाओं का विस्तार होने जा रहा है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है आपकी वैकेंसी वगैरह पर, साथ ही नगर निगम में लाखों लोगों को शामिल होंगे और पार्षदों की संख्या भी बढ़ेगी। और इसके पहले तो आपने सुना ही था यूल कंटोनमेंट, क्योंकि उसमें कोई वैकेंसी नहीं निकली थी इसी वजह से उसका कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई दिया है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं और किन बातों को लेकर के इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। वो आप स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहे हैं, पुणे और खड़की छावनी बोर्ड के नागरीय आवासीय क्षेत्रों के साथ साथ नगर निगम में छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं, यानी वो जो कर्मचारी वहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे होंगे उनको भी साथ में मर्ज किया जाएगा। हालांकि आप भी समझते हैं कि अगर कंटोनमेंट समाप्त किया जाएगा तो वहाँ के जो कर्मचारी होंगे उनको केंद्र के अंतर्गत रखा जाएगा या राज्य के अंतर्गत रखा जाएगा, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों में समस्याएँ हैं, यानी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वहाँ के खुद के कर्मचारी भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, जो छोटे कर्मचारी जो ग्रुप डी के कर्मचारी वो भी छावनी परिसर स्कूलों में स्कूलों अस्पतालों खुली जगहों और कुछ अन्य प्रतिष्ठानों को समायोजित करने के नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की संभावना होगी, यानी इन बातों पर इसमें चर्चाएं हो सकती हैं। और अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, यानी कि जब आपके कंटोनमेंट को समाप्त किया जाएगा तो जो दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको लेकर के काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, ज़्यादातर बच्चों का कमेंट था, तो वो ये दो बातें हैं और ये भी दो हैं कि नगर निगम के नियमानुसार करप्ट एरिया गाइडलाइंस लागू होंगी। दूसरा आपका है जो खुले स्थान है नगर निगम के नियंत्रण में आएंगे, ये सारे प्रश्न हैं। और जो दो प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए वो ये हैं कि छावनी कर्मचारियों को नगर निगम में शामिल करने की क्या प्रक्रिया होगी, यानी जो छावनी में जो काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे चाहे ग्रुप डी के हों या ग्रुप सी के हों, अगर छावनी को समाप्त किया जाएगा और रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे तो जो वहाँ पर जो काम कर रहे कर्मचारी होंगे जो अभी तक राज्य के अंतर्गत नहीं केंद्र के अंतर्गत जॉब कर रहे थे, अगर छावनी को समाप्त किया जाएगा तो क्या वो राज्य के अंतर्गत आएंगे, इसको लेकर के चर्चा होने वाली है। साथ में ही स्कूल और अस्पताल नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, ये भी प्रश्न बना हुआ है और इस बात को लेकर के कोई भी कंफर्मेशन नहीं है और कोई अभी भी देखिए कोई तरीके से इसमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दी गई है कि जो ये स्कूल होंगे जो अस्पताल होंगे वो आपके नगर पालिका के क्षेत्र में ही जाएंगे, चूँकि स्कूल और अस्पताल से बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली है, जैसा कि असिस्टेंट टीचर वगैरह का पोस्ट हो गया और भी बहुत सारे जो पद निकले हुए हैं पीओन वगैरह के जो स्कूल में होते हैं, साथ में अस्पताल से बहुत सारे पद हैं जो कि नर्स वगैरह के हैं और भी बहुत सारे पद हैं जो कि आपने फिल किए होंगे, तो इसको लेकर के चर्चाएँ होने वाली हैं और हफ्ते दो हफ्ते में पुणे और खड़की छावनी बोर्ड पूर्ण से समाप्त हो जाएगा। तो ये एक तरीके से बड़ी सूचना है और काफ़ी ज़्यादा कंटोनमेंट इन कंटोनमेंट से बच्चों ने फॉर्म फिल किया था
और बात करें अगर आपकी वैकेंसी की, देखिए वैकेंसी को रद्द करने को लेकर के भी किसी प्रकार की नोटिस नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी वैकेंसी रद्द हो गई है, और हो सकता है कि इसी वैकेंसी पर आपको कंटिन्यू करें ये लोग भी, चाहे वो राज्य सरकार के अंतर्गत है या चाहे वो मिलिट्री स्टेशन या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत है, वैकेंसी भी रद्द करने की कोई बात नहीं है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल बनाए रखें। ये छोटी सी सूचना थी, काफ़ी तक मुझे कमेंट देखने मिले हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे मुझे पुणे और खड़की छावनी से लेकर के, और मुझे विश्वास है अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पुणे और खड़की छावनी में फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है। तो ये तरीके से सूचना थी आपके लिए कि आपकी जो छावनी है बिल्कुल समाप्त करने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया था बिल्कुल मंजूर कर दिया गया है, और आप इस समाचार को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं और जानकारी कर सकते हैं, और इधर एक हफ्ते दो हफ्ते या तीन हफ्ते के अंतर्गत आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो जॉब होगी या जो कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे होंगे वो नगर पालिका के अंतर्गत आएंगे या फिर केंद्र के अंतर्गत आएंगे, इन बातों को लेकर के चर्चा होने वाली है। तो ये छोटी सी सूचना थी, और किसी भी कंटोनमेंट से रिलेटेड होंगे आप, जो भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी समाचार होगा, नया जो भी होगा, आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा कि आपकी हर प्रकार से मदद की जा सके, और जो भी होगा नया नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको लग रहा है कि आपका ये चैनल है किसी प्रकार से आपको सपोर्ट कर पा रहा है, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।